हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग का स्वागत है टेक्को बीस्ट में। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने लगा कैसे आप कोई भी वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसकी वर्नरबिलिटीज, उसकी कौन से पॉच ओपन है, उसकी क्या वीकनेसेस है, वो सारा आप पता लगा सकते हो। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज करके कोई भी एक वेबसाइट पर अटैक प्लान किया जा सकता है। ओके तो गाइस ये जो भी मैं बताने लगा एक इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया वीडियो है। तो गाइस ये डिस्क्लेमर था, अभी वैसे भी यूट्यूब के साथ बहुत पंगे चले। अभी आपको गाइस पता ना हो तो आपको अपडेट कर दूँ कि मेरे एक वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है, उसने वो वीडियो रिमूव कर दिया है जो मैंने आपको इंस्टाग्राम ऊपर बनाया था कि हाउ टू हैक इंस्टाग्राम यूजिंग जेड फिशर टूल। तो गाइस वो वीडियो रिमूव हो चुका है यूट्यूब से। और गाइस मेरे एक और वीडियो पे जो वाईफाई अटैक के ऊपर बनाया था, हाउ टू क्रैक वाईफाई पासवर्ड, उस पे भी यूट्यूब ने अभी 18 प्लस रेटिंग डाल दी है, जो अकाउंट 18 प्लस है वही देख सकते हैं। गाइस ये छोटी सी अपडेट थी चैनल रिलेटेड। ओके गाइस तो आप ये वीडियो कौन तक देखते रहे, जानने के लिए आप कैसे इस कोई भी एक वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो सारी। और कैसे आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी थी कलेक्टिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल के लिए जो टूल यूज करने वाले हैं उसका नाम है निक्टो। और गाइस वो कारी लिनक्स में प्री इंस्टॉल आता है, प्री बिल्ड आता है, उसको आप इंस्टॉल करने की या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने टर्मिनल को ओपन करके उस निक्टो टूल को फायर करना पड़ेगा, निक्टो कमांड को फायर करना पड़ेगा, और आप उस टूल को एक्सेस कर सकते हो। और गाइस उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा और आपको वेबसाइट को एक वेबसाइट को हम एक्सप्लोर करके भी देखेंगे इस वीडियो में कैसे आप कोई भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो सारी। तो वैसे आप सबसे पहले अपना कोई भी टर्मिनल ओपन कर दीजिए और उसमें जाके कमांड फायर कीजिए निक्टो हाइफन हेल्प। तो गाइस उससे जो भी इस टूल में जो भी ऑप्शंस है वो सारे आपको दिखाई देगा, आपको सारे ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है और गाइस इसके अंदर भी छोटे छोटे ऑप्शन आते हैं, सब ऑप्शन कह सकते हो, उसमें ऐसे कोई वर्ड नहीं है पर आते ऑप्शन। तो गाइस उस ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको कमांड फायर करना पड़ेगा निक्टो हाइफन एच। तो गाइस जो उसके अंदर के टूल्स है वो सारे भी आपको दिखा देगा, उसके अंदर जो भी ऑप्शन है उसको कैसे यूज कर सकते हो सारा आपको दिखा देगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे ही सारे फोल्डर्स के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हो इस कमांड को फायर करके। और गाइस कोई भी एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको ये सारे कमांड्स पता होने चाहिए अच्छे से, तो आप इजीली और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कर सकते हो कलेक्ट उस वेबसाइट के रिलेटेड। तो गाइस कोई भी एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक कमांड फायर करना पड़ेगा निक्टो हाइफन एच। और गाइस आपकी जो भी वेबसाइट है जिसको एक्सप्लोर करना है उसकी लिंक दे दीजिए। मैं यहाँ पे कोई भी एक क्रोम ब्राउजर से जाकर कोई भी एक वेबसाइट ले लूँगा। और गाइस माइंड दिमाग में रखिए, ये सारी वेबसाइट एक लीगल वेबसाइट है, हैकिंग प्रैक्टिस के लिए बनाई गई वेबसाइट है। आप भी यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट ले सकते हो, ऑनलाइन जाकर सर्च करोगे तो आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी जो हैकिंग प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है। ओके गाइस तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, x.dot करके इसका नाम है। इस लिंक को मैं कॉपी करके अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर दूंगा और वहाँ जाके आपको आगे के स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप कोई भी एक वेबसाइट पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। गाइस यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिए, फिर हाइफन ट्यूनिंग करूँगा। आप चाहो तो कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ ऊपर से ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा 2 मिनट। देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ट्यूनिंग का, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया, इसमें से आप कोई भी एक कमांड ले सकते हो। ये ट्यूनिंग ऑप्शन मैंने लिया है, तो मैं अभी के लिए तो ये SQL इंजेक्शन करूँगा। आप ऊपर से भी कोई ले सकते हो आप चाहो तो, इससे बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ से भी आप सारे ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक और अटैक इसके बाद दिखाऊंगा कैसे आप करते हो, पर ये बेसिक है, इससे जितनी भी मेजोरिटी वीकनेसेस है ये सारी पता चल जाती है। तो यहाँ पे मैं नंबर 9 सिलेक्ट कर दूंगा SQL इंजेक्शन को, और यहाँ पे देख सकते हो आपको टारगेट IP, टारगेट होस्ट नेम, ये सारा पोर्ट नंबर ये सब दिखा रहा है, सब कहाँ पे लोकेटेड है, सब कहाँ पे होस्ट किया गया, ये सारा दिखा रहा है, और नीचे सारी वीकनेसेस और ओपन पॉच दिखाना शुरू कर दिया है। और गाइस इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको थोड़ा सा वेट करने का हो सकता है। गाइस यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जब फाइनली करेक्ट हो जाती है, जो वीकनेसेस है, जो ओपन पॉच है, वो सारे कैसे दिखते हैं ये सारा मैं आपको बता दूंगा आगे। और गाइस इसको कैसे सेव करते हैं वो सब भी मैं बताऊंगा, इसलिए गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं अभी ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस अब हम कोई दूसरा अटैक ट्राई करके देखते हैं कि उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है।
तो अभी हम वो अपना पुराना कमांड ओपन कर देंगे, उसको ट्यूनिंग और नंबर 9 को इरेज कर देंगे और ऊपर जाके देखते हैं कोई अच्छा सा कमांड मिले तो। तो यहाँ पे एक मुझे काफ़ी अच्छा कमांड दिख रहा है म्यूटेट करके, उसमें एक नंबर 2 है, या नंबर 2 ऑप्शन है गेस फॉर द पासवर्ड फाइल नेम। ये काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी एट्रैक्टिव लग रहा है, तो हम जाके ट्राई करेंगे इस कमांड को, इससे क्या होता है ये सब जानने की कोशिश करिए। ऐसे मैं म्यूटेट को कॉपी कर दूंगा, नंबर 2 मैं याद रख लूँगा, गेस फॉर द पासवर्ड फाइल नेम। तो यहाँ पे जाके हम उसको पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट वी करके, और यहाँ पे प्लस को इरेज करके नंबर 2 सेलेक्ट कर देगा। आप देख सकते हो इधर भी हमारा कॉमन चीज़ आ गई है, टारगेट आईपी, होस्ट नेम और ये सब कॉमन नहीं, इसमें सारे अटैक्स में आपको ये दिखेगा। तो वैसे यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक वर्नबिटी दिखाई है कि कुकी हैक स्टोर क्रिएटेड विदाउट द इंप्रेटेड फ्लैग। इसका मतलब तो मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं, पर आई थिंक सो इसकी जो कुकीज़ है वो कम्प्लीटली सिक्योर नहीं है, वो आपकी कुकीज लीक हो सकती है मेरे ख्याल से, कैसे हम अच्छी हो, पर ऐसे ही सारी वर्नबिटीज आपको दिखा देगा। तो कैसे हमारा सेकेंड अटैक हो चुका है, तो कैसे ऐसे आप कोई भी अटैक कर सकते हो कोई भी एक वेबसाइट पे। तो कैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस आउटपुट को TXT फाइल में या HTML फाइल में सेव कर सकते हो। तो कैसे कोई भी आउटपुट को सेव करने के लिए आपको फिर से वही कमांड यूज़ करना है, nicto-h https जो भी लिंक है वो, -tuning नंबर जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो, फिर स्पेस देखिए -output। तो गाइस फिर यहाँ पे आपको स्लैश करके पाथ दे देना है जो भी डायरेक्टरी में आपको उसको सेव करना है उसका। मैं चाहता हूँ मेरे डेस्कटॉप में सेव हो, इसलिए मैं यहाँ से आपको ये जो क्यूब फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टी कॉपी कर लूँगा। तो गाइस को कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दूँगा और स्लैश करके आपको जो भी नाम देना अपने फोल्डर का उसको आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरे फाइल का नाम टेस्ट दे दिया है, स्पेस करके -format लिखिए, और गाइस आपको जो भी फॉर्मेट में सेव करना है वो फॉर्मेट का एक्सटेंशन दे दीजिए। मैं यहाँ पे .txt दे दूंगा, आप चाहो तो .html दे सकते हो। यहाँ का जो भी आउटपुट होगा गाइस वो ऑटोमेटिकली मेरे फाइल में सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल बन चुकी है टेस्ट नाम की TXT फॉर्म में। तो गाइस ऐसे आप HTML की भी बना सकते हो, इतने ये कमांड यूज़ करना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ .txt के बदले .html दे देना है और आपका जो फाइल है वो HTML फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा अटैक कंप्लीट हो चुका है, और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सारी वीकनेसेस और जो ओपन पोर्ट्स है वो सारे दिखा रहा है, पर कैसे ये इजी टू रीड नहीं है। अगर आप TXT में HTML में सेव करेंगे तो आप इजीली सारे वीकनेसेस और सब पढ़ सकते हो, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहता है, ये इसका एडवांटेज रहता है गाइस। तो आपने देखा कैसे निक्टो टूल को यूज़ करके आप कोई भी एक वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपकी कमेंट्स बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जिनको वो एरर आई है, वो प्रॉब्लम आई है।